उसके लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है पता नहीं, पर नींद बहुत आ रही है। हाय भगवान, ये नींद तो उड़ा दे एटलीस्ट। सो वेलकम बैक टू हिल्स एंड हाइक्स। सो आज हम जा रहे हैं वापस उड़ीसा से हैदराबाद। सुबह 5:35 को निकले, पेट्रोल भरे, ऑलरेडी ऑन द रोड है। तो फर्स्ट स्टॉपेज जो रहेगा वो विशाखापट्टनम रहेगा। ऑलरेडी होटल्स बुक कर दिए रात को मैंने। सो 5:30 तक पहुंचेंगे। यहाँ से 529 किलोमीटर दिखा रहा है और 511 तक रीच होने का टाइम दिखा रहा है आज पर गूगल मैप। आउटसाइड टेम्परेचर 23 डिग्री है, कूल क्लाइमेट, और ये दिन बहुत ख़राब है। जब आए थे बहुत एक्साइटमेंट में, घर जा रहे, अभी घर से वापस जाना है काम पे, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए पर आता है, क्या करेंगे, सबके लाइफ में आता होगा, मैक्सिमम 90% लोगों की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं। ठीक है, जैसी लाइफ वैसी चलानी पड़ती है। पेट्रोल भरने के बाद थोड़ा यहाँ पे रुका क्योंकि ग्लास है ना, ज़्यादा कुछ डट्टी दिख रहा था। कल मैंने पूरा गाड़ी वॉश किया, पॉलिश किया। सर सुबह का टाइम देख रहे हो ज़्यादा, मतलब थोड़ा अंधेरा, अभी भी स्टिल अंधेरा जैसा है। लोग गांव-गांव में भी लोग एक्सरसाइज करने को, जॉगिंग करने को निकल पड़े ऑलरेडी। तो हम भुवनेश्वर गए थे तो इसी रास्ते से ही गए थे, आज इसी रास्ते से जा रहे। लोगों ने स्वेटर पहनना भी शुरू कर दिया रे। आज रिटर्न वाली सुबह, रिटर्न टू हैदराबाद। प्लानिंग ये है कि अभी हम निकलेंगे, विशाखापट्टनम में रुकेंगे आज और कल भी रुकेंगे, और बाद में परसों पहुंचेंगे हम हैदराबाद। सो भाई हम अभी भुवनेश्वर रोड में हैं, पीछे रसूलगढ़ गया और ये नयापल्ली होते हुए हाईवे, ये जो हाईवे है ना सीधा जा रहा है वो विशाखापट्टनम। तो अभी कहीं रुकना नहीं है, थोड़ी देर पहले हम लोग एक्चुअली मेरे कजिन यहाँ पे रहते हैं रसूलगढ़ के पास, तो उनके घर पे गए थे हम। ये स्पीड चेक कर रहे लगता है पे, मस्त नाश्ता हो गया, एक चपाती, मतलब बहुत चपाती दे रहे थे, मैं एक चपाती खा गया। चपाती सब्जी था, स्वीट्स था, मतलब उड़ीसा में तो स्वीट नहीं खाओगे, छेना पोड़ो खाना है, रसगुल्ला तो कंपलसरी खाना है, ये खा के ही जाना उड़ीसा आओ तो। पहले विशाखापट्टनम दिखा रहा था 5:20 जितना टाइम दिखा रहा था, अभी जो ब्रेकफास्ट हो गया और हम थोड़ा रुक के तो अभी 7:20 दिखा रहा है, मतलब 2 घंटा डिले हम चल रहे हैं अभी। ये देखो रोड, चेन्नई 1264, विशाखापट्टनम 412। 412 मतलब ऐसे ही पहुंच जाएंगे, ऐसे ही पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, अभी नॉन स्टॉप चला लेंगे गाड़ी, अभी 130 तक चलाएंगे, सुशु ब्रेक आए तो रुक जाएंगे 130 का, रुक के लंच करेंगे। लंच के लिए भी हमारे पास कुछ है लेके आए घर से, वो खा लेंगे। क्लाइमेट थोड़ा भुवनेश्वर का टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है, 32 डिग्री अभी दिखा रहा है, जो कि बाहर निकलो ना थोड़ा टेम्परेचर फील होता है। ओके, हैदराबाद में ये ऐसा टेम्परेचर रहेगा, अभी इतना उजाला रहेगा पर इतना टेम्परेचर आपको बॉडी को नहीं लगता। तो भाई इतना नींद आ रहा था मुझे, पता नहीं बहुत ही नींद आ रहा, ज़्यादा ही नींद आ रहा है। सो कप भी नहीं था, थर्मो फ्लास्क का जो कैप है उसमें मैं कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी डाला, गर्म पानी डाला, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। कि खुर्दा से थोड़ा आगे जस्ट आए हम लोग, हाईवे का काम चल रहा है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है, ये साइड में जो सर्विस रोड है वो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। तो पेड़ के नीचे रखा है गाड़ी, ऑन कंडीशन में एसी चालू है। बहुत नींद आ रहा है, बहुत नींद, मतलब अभी क्या होता है क्या, हम जब घर पे आते हैं, मतलब जब अपने घर आते हैं ना तभी एक्साइटमेंट में वो सब नहीं आता, नींद वींद कुछ नहीं आता, लेकिन जब घर से दूर जा रहे हैं ना वो एक तो इच्छा नहीं होती कि घर से दूर जाओ,
उसके लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है पता नहीं, पर नींद बहुत आ रही है। हाय भगवान, ये नींद तो उड़ा दे एटलीस्ट। भाई ये चल रहे हैं हम ब्रह्मपुर में जा रहे हैं। ब्रह्मपुर का ये जो रास्ता जा रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कहाँ छोटे रास्ते में जा रहा हूँ करके, विशाखापट्टनम। एक्चुअली विशाखापट्टनम से थोड़ा सा ब्रेक ले लिए, मतलब ब्रेक लिए बोले तो थोड़ा रास्ता मोड़ के हम गोपालपुर बीच जा रहे हैं, जो ब्रह्मपुर में है ना गोपालपुर बीच, वहाँ पर जा रहे हैं। मैंने आज तक मतलब उड़ीसा का ही हूँ मैं, बट मैं अभी तक गोपालपुर बीच देखा नहीं हूँ। तो ये हो गया गोपालपुर बीच। पार्किंग के लिए कुछ जगह, मतलब यहाँ तक गाड़ी आ सकता था। ये गाड़ी घूम रहे पर किधर से आया पता नहीं है। मैं मास्क लगा के बात कर रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारा कोरोना का केस है, इसीलिए मैं गोपालपुर में क्या केस है पता नहीं है, तो यहाँ पे इसे मास्क लेके बात कर रहा हूँ। गाड़ी हम लोगों ने उधर रखा है, इधर बैरिकेड किया, कोई इधर अंदर नहीं आ सकता। मतलब फर्स्ट टाइम मैं आया इधर लाइफ में, फर्स्ट टाइम। अरे ऐसा होना चाहिए था, हमको गोपालपुर में एक दिन रहना चाहिए। और देखो वाटर स्कूटर भी है उधर, उधर वाटर स्कूटर भी है। सो भाई यहाँ पे मतलब ये ब्रह्मपुर में है, उड़ीसा में है। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे हाईवे है, उधर एक पुलिस स्टेशन भी है। ओके, तो हाईवे के बाजू में थोड़ा पेड़ आया, पेड़ के नीचे गाड़ी रख के हम लोग अपना लंच कर ले। लंच में क्या था, दही वड़ा था। सो भाई दही वड़ा रेडी, मतलब उड़ीसा आए तो दही वड़ा खाना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। ये घर से लेके आया हूँ, घर का बनाया हुआ, आप भी खाओ, दूसरे को खिलाओ, और मेरे को भी बुलाओ, मेरे को भी खिलाओ। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट ब्लॉग में घर पे देखे वीडियो और बोले कि तुम लोग ऐसा हाईवे में या सुनसान रास्ते में टेबल डाल के ऐसा खाना खाते हो, हमको बहुत डर लगता है। इस बार वो मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए कि रास्ते की साइड में टेबल मत डालो, तो इसीलिए हम लोगों ने देखो बिना गाड़ी जा रहे और यहाँ पे हम रोड के थोड़ा सा अंदर आया पेड़ के नीचे, अपना लंच ख़त्म कर लिया। और मेरे पीछे ये साइड में भी थोड़ा सा रास्ता अंदर जा रहे जहाँ से पब्लिक आ रहा है। अब न मुझको याद भी था, मैं तो लम्हों में जीता चला जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, इस यकीन से मैं यहाँ हूँ कि जमाना ये भला है और जो राह में मिला है, थोड़ी दूर जो चला है वो भी आदमी भला था, पता था जरा बस खफा था, वो खंड का जरा ही मेरे गांव का ही, वो रास्ता पुराना जिसे याद आना जरूरी था लेकिन। भाई सनसेट होने को है अभी 4:40 हो गया, ये ईस्ट एरिया में थोड़ा जल्दी सनसेट हो जाता है। देखो देखो सनसेट हो रहा है वो माउंटेन के पीछे। Thank you.
मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। सो आठ 8:30 वी रीच दिस होटल। सो अभी क्या हो गया, 8:30 को पहुंचे, चेक इन किए, रूम पे आके पहुंचे, मैं फ्रेश हो गया और रीच हो गई, पहला काम जो है वो कर ली, उसको बस बैठ के आना है और जाके सो जाना है, बस सही काम है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे, ये होटल में आप देख लो चारों तरफ से, बहुत अच्छा होटल है। होटल का नाम एक बार फिर से सुप्रीम, द होटल सुप्रीम, बीच के ठीक सामने। ओके सो कल हम एक दिन रहेंगे और आपको दिखाता हूँ कुछ लोकेशन यहाँ पे जो फेमस है विशाखापट्टनम में, वो लोकेशन एक दो प्लेस जाके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आज का जो ट्रिप था ओडिशा से विशाखापट्टनम का, वो यहीं पे खत्म करेंगे। फिर डिनर के लिए ऑर्डर दे दिया है, वो डिनर लेके आएगा, खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। टाइम अभी हो गया है 9:15। विशाखापट्टनम आया ना उससे 82 किलोमीटर पहले रास्ता जो है ना इतना सुपर हो गया, मतलब रास्ता ऐसे ही अच्छा था, लेकिन जो रास्ते का काम चल रहा था, ओवरब्रिज का काम चल रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा स्पीड जो है कम हो रहा था। बट 82 किलोमीटर जब था विशाखापट्टनम से, वो रोड 3 लेन वाला रोड चालू हो गया और सुपर रोड, और वो सीधा आपको विशाखापट्टनम तक अंदर तक लेके आएगा। सो वो रोड पे ही मैं थोड़ा टाइम मेकअप कर लिया, खाना आ गया। चलो ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, गुड नाइट, आप सो जाओ, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। Just next.